महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार, स्वागत करना आप लोगों का अपन पसंदीदा कार्यक्रम महकता आंचल में। क्या आप लोगों को मालूम जा, अक्सर हमों में कई इस तरीके की बीमारियां होने जो जन्म जात होने, यानी कि जब कोई शिशु जन्म ले वे शरीर में अगर कोई प्रकार की कमियां या भी समस्या देखने मिले तो वे कही जो जन्म जात समस्या। आफन पोलियो नाम तो सुन रहे ने और कई इस तरीके का शिशुला दे रहा युवाले दे रहा जिनके जन्म बटी पोलियो दिक्कत रहे। लेकिन आज हम अपने कार्यक्रम में पोलियो बारे में बात करने वाले हैं तो बल्कि आज हम बात कर रहे हृदय बटी जुड़ी हुई एक समस्या। जी एकदम ठीक सुना आफोल, अक्सर हम सोचने की हृदय बटी जुड़ी हुई कोई ले समस्या खिले नहीं हुए एक लंबी उम्र पार कर बात शुरू हुई। लेकिन वास्तव में तो हृदय बटी जुड़ी हुई कुछ इस गंभीर या फिर सामान्य समस्या ने जो हम जन्म बाद होने जन्म का जो जन्म जात हृदय संबंधित खराबियां या फिर कमियां। ये जो खराबियां थे वो हृदय में जाने वाले रक्त जो सामान्य प्रवाहक गति छो बदल देने, यानी कि अगर कोई व्यक्ति के जन्मजात हृदय रोग होला तो या तो वे रक्त जो रफ्तार छो वो बहुत ज्यादा है या फिर वे रक्त बहने रफ्तार थोड़ा सा कम है। जन्मजात हृदय जो खराबी से भी कई कारण होने तो किला ने आज जानी जो जन्मजात हृदय संबंधित आखिर समस्या छ क्या और ये दिक्कत किस प्रकार है, इन सब बातों को जानना जी चलन हो हमको डॉक्टर साहब पास। और आज हमारे साथ में जो डॉक्टर साहब थे वो हार्ट के एक विशेषज्ञ थे, उनको मालूम कि मानव हृदय किस तरीके कब काम करो, कब हम हृदय की कुछ दिक्कतें हो सकने, कब हमें हृदय की दिक्कतें होने, तो इन सब बातों को जानना जी चले जो डॉक्टर साहब पास और उन्हीं के बटी पूछे जो जन्मजात हृदय संबंधी दिक्कत आखिर छ क्या। जन्मजात हृदय की बीमारी है जिनको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं जी। बेसिकली महिलाओं में भी मतलब मेल और फीमेल बच्चों में दोनों में होती है जी। जो कॉमन है जो सबसे ज्यादा दिखती हैं उनमें जो है हार्ट के अंदर विभिन्न जगहों पे छेद हो जाते हैं या कम्युनिकेशन बन जाते हैं, जैसे कि ESD हो गया, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जन्मजात जो नॉर्मली स्पष्ट है ये वो दिक्कत है जो हमें जन्म बटी होने, अक्सर क्या हो गांव में जो प्रसव होने वो घर में ही होने। आज तो ये तो व्यवस्था से कि जब ला कोई शिशु जन्म हो तो आशा कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहे और वो देखे कि जो शिशु जन्म हो रहा वीक हृदय रफ्तार गया छो, वीक तापमान का दुख और मतलब नंती ने जो जो जाँच हुई वो एक आशा कार्यकर्ता पूरी कर ली। लेकिन कई बार इस परिस्थिति में कि आशा कार्यकर्ता वहाँ मौजूद नहीं रह सके या फिर अगर आशा कार्यकर्ता मौजूद न छा वो नंतिने पूरी जांच ला कर लेने लेकिन उनको यह मालूम न चल सकन कि शिशु के हृदय संबंधित कुछ समस्याएं थे, क्योंकि जन्मजात हृदय संबंधित जो समस्याएं थे इन्हें बहुत कम लक्षण पहचान में आ सकने। जब एक शिशु जन्म हो तो एकदम से मैं पहचान सकन कि यह शिशु के जन्मजात हृदय संबंधित दिक्कत छ। जैसे जैसे वो शिशु ठुल होते जो धीरे धीरे उनमें जन्मजात हृदय संबंधी जो लक्षण होने वो देखे नहीं मिलने, तब पता चले कि एक बचपन बटी हृदय बटी जुड़ी हुई कोई समस्या थी। तो अगर हृदय बटी जुड़ी हुई कोई समस्या के व्यक्ति के छे कोई शिशु के छे तो कस का हमें एक अनुमान लगा सुनो, कस का हमें एक पत्ते लगा सुनो, क्योंकि मैं लाखों को जो हमें समस्या छे बहुत कम लक्षण हमको देखने मिलने, तो कम लक्षण है सही लेकिन किस तरीका होने कसके हम पहचान लगा सुनो ये समस्या, तो उन लक्षणों के जानना लीजिए हम फिर से चलो डॉक्टर साहब के पास। देखिए
देखिए कुछ केसेस में बच्चे तुरंत नीले पड़ जाते हैं, कुछ केसेस में बच्चे जो है सांस फूलने लगती है, वो कैसे पहचाना जाएगा? जैसे बच्चा माँ का दूध पीते पीते अचानक से थक जाए, एक ही बार में पूरा अपने जो है दूध न पी पाए, उसको बार बार जो है थक जाए या उस समय सांस फूलने लगे, तो ऐसे बच्चों को या जो कि नीले पड़ रहे हों या जो बच्चे दूध पीते समय थक जाते हों तो उनको तुरंत आपको अपने जो है बच्चों के डॉक्टर को दिखाना है और उनकी सलाह पर फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाना। उंगलियों जो नाखून से उनमें नील पन हो, बार बार थकान हो, खूनक संचार कम हो और ला बहुत सारा लक्षण डॉक्टर साहब ने हमको बताई। अब बात ऐसी कि कसके या गर्भवती जन्म लेने वाले शिशु के जन्मजात हृदय संबंधित दिक्कतें हो सकती, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि शिशु खान पान गलत है या फिर व्यवहार गलत है, ऐसा लीजिए जन्म बटी इस तरीके दिक्कत हो गए तो मगल आगो कि एक डॉक्टर के बटी पूछन शायद बेहतर रोल कि शिशु के जन्म बटी हृदय संबंधी दिक्कतें आखिर किला होने, क्या इन दिक्कतों कोई पहचान ले या नहीं, इन दिक्कतों के बारे में हमको कुछ मालूम ले या नहीं थे? तो पूछना डॉक्टर साहब को बे। देखिए ये जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की यदि इनकी हम बात करें तो बहुत कम कारण है कि जो हमारी मतलब गलती से होते, कुछ दवाइयां वगैरह हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं उनके साइड पर, लेकिन यूजुअली जो होता है ये हमारे आनुवंशिक मेकअप पे है, जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड है, हम इसको ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकते जी सर। यानी कि ये किसी चीज के खाने से या नहीं। एक माँ एक शिशु के जन्म दी तो वे खान पान भी व्यवहार कहीं न कहीं जन्म लेने वाले शिशु स्वास्थ्य भी बीमारी पर जरूर असर डालो। तो अगर क्या हर महिला हर माँ या चाइल्ड विक होने वाले नंतिन एकदम स्वस्थ हो और उगे मार्ग सुख प्राप्त हो तो यश में कसके हम जन्म लेने वाले शिशु के जन्मजात रोगल बचा सको, एक जानो डॉक्टर साहब को बटी और साथ में यह जान लो कि कसके हम जन्मजात हृदय संबंधित समस्या उपचार कर सको। माता केवल यही काम कर सकती है कि जो प्रेगनेंस जब वो हुई है, जब प्रेगनेंसी हुई है उससे पहले जो है वो क्या मेडिसिन ले रही थी, तो कुछ तरह की मेडिसिन होती हैं जैसे कि एसीट्रॉम वगैरह हो गया, वारफेरिन हो गया, इस तरह की कुछ मेडिसिन हैं, तो कोई भी मेडिसिन ले रही है तो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें कि मैं कोई ऐसी मेडिसिन, तो जो रेगुलर मेडिसिन की बात कर रहा हूं मैं, जो रेगुलर मेडिसिन है वो इस तरह की मतलब अपने डॉक्टर के पास जाएं कि मुझे ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए और तब प्रेग्नेंट हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है इनको अवॉइड करने का, अदरवाइज कोई इनको आप जो है इनसे बच नहीं सकते जी। सर जन्मजात हृदय संबंधी जो बच्चों को दिक्कतें होती हैं इसका कुछ इलाज भी है? बिल्कुल इलाज है, कुछ केसेस में बड़ा सिंपल इलाज है, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है उसमें बीच में पैच लगा के या आजकल तार विधि द्वारा उस पर छतरी लगा के बंद कर दिया जाता है जी। सर यानी कि किसी बच्चे को दिक्कत हो गई तो माँ उसका या फिर घर वाले उसका इलाज करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले उसका रोग का पता होना बहुत जरूरी है जी, ठीक है जी। सबसे पहले रोग का पता लगे, उसके बाद सबसे पहले आप शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, यदि वो कहता है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, फिर इकोकार्डियोग्राफी होगी, डायग्नोसिस बनेगी, उसके बाद ट्रीटमेंट में डिस्कशन होगी। तो ये तो थी डॉक्टर साहबों को सलाह उन महिलाओं के उन माओ के जो चाहे उन्हें नंतिन जन्मजात हृदय संबंधी दिक्कतें बची रह सको, एक माँ का चल तब महक सको जब वो स्वयं स्वस्थ रह सको और साथ में अपन परिवार अपन शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान दे सको। मैं यही उम्मीद करूँ कि हमारे जो महिलाएं हैं जो आज गर्भवती है वो थोड़ा सा ये बात और ध्यान दियो कि कोई ला दवा अगर उन लेनी बिना डॉक्टरी सलाह है कोई ले दवा का इस्तेमाल न करें छो और उन्हें जो खान पान छो वो मेरा थोड़ा सा ध्यान दियो, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहला तो उन्हें शिशु स्वस्थ रहो, उन्हें शिशु स्वस्थ रहो तब उन्हें आचल महकता रह सको। यही उम्मीद है, साथ में मगे दिला इजाजत और फिर देकर फिर से करूँ मुलाकात, तब तक नमस्कार।